जहां पूरा भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे विषम परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ से बाहर में फंसे लाखों मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। चार पांच दिन के बाद उन्हें खाने को नसीब हो रहा है। ऐसे में मजदूर छत्तीसगढ़ सरकार से घर वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पर्री क्षेत्र के ग्राम लोहरसी, धरदेई, मुड़ापार, रसोटा, झलमला, कोसरी, बुंदेली, मल्हार, इन गांव के कुल 47 मजदूर रोजी रोटी के अभाव में तेलंगाना मजदूरी करने गए थे, जहां लॉकडाउन की स्थिति में यहां फंसे मजदूर भूखे मर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार से अपने घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि हम इमरान हाइट मोदी बिल्डिंग आरजे कॉलोनी थाना घट केसर जिला मेड़ी चाल हैदराबाद तेलंगाना में फंसे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार बाहर में फंसे भूखे मर रहे लाखों गरीब मजदूरों की गुहार सुनकर उन्हें लाने के लिए आगे कौन सा ठोस कदम उठाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।